हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर ये है असिस्टिव बॉल, और ये असिस्टिव बॉल इसे कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन करेंगे आप, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। कन्वीनियंस टूल्स पर क्लिक करना है आपको, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा असिस्टिव बॉल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर असिस्टिव बॉल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेस्चर्स एंड टैप मेनू। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे गेस्चर तो गेस्चर्स की तरह इस्तेमाल होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो बैक बटन का काम करता है। अकेला बॉल यहाँ पर बैक बटन का काम करेगा, इस बटन का ये काम करता है, तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका आपको बताती हूँ, टैप मेनू पर क्लिक करेंगे आप तो और भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेटिंग ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर असिस्टेंट बॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप। फिर यहाँ पर टैप मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएगा। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। नेक्स्ट तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको मल्टीपल टास्किंग करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन का आप इस बटन को हाइड करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आपको लॉक करना है, लॉक पे क्लिक कर देंगे आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। वेरी सेटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपको होम बटन का यूज़ करना है तो आप होम बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें तो होम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं प्लस सेटिंग। तो ये था असिस्टेंट बॉल सेटिंग। सो कहीं भी आप मूव करके रख सकते हैं मोबाइल में, आप इसका इस्तेमाल फीचर्स का इनेबल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बटन को आप हाइड करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गेस्चर सेटिंग को कुछ नया आपको यूज़ करना है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये गेस्चर सेटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर उसको हटाना है, मान लीजिए आप हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है, सेटिंग पर फिर से आपको असिस्टेंट बॉल पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है, टैप मेनू पर क्लिक कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे तो स्क्रीन से हट जाएगा। इस तरीके से आप असिस्टेंट बॉल सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।